हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज हम सूरत का फेमस डुमस बीच की तरफ जा रहे हैं और सुबह के 7 बजे है। हल्की हल्की बारिश हो रही है तो ये डुमस का रास्ता और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे हमको एयरपोर्ट सूरत का दिख रहा है और अब हम डुमस की तरफ जा रहे हैं। ये डुमस आ गए हैं और आप देख रहे हैं सुबह 7:30 बजे के आसपास यहाँ पे ये भजिया शॉप पे कितनी भीड़ लगी है। ये यहाँ का फेमस भजिए की दुकान है, इसको लश्करी भजिया बोलते हैं। उसके वहाँ स्पेशल टमाटा पूरी मिलती है और दूसरे भी कई तरह के भजिया मिलते हैं, तो मैंने ये भैया से स्पेशल टमाटर की जो पूरी आती है उसकी रेसिपी पूछ ली है और मैं आज आपसे वो रेसिपी शेयर करूँगी। ये रतालू पूरी है और ये मिर्ची के और अनियन के पकोड़े और ये टमाटर पूरी, बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा था। ये टमाटर पूरी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सूरत का फेमस स्ट्रीट फूड है और ये लश्करी भजिया यहाँ का मीन्स डुमस का फेमस शॉप है। तो अभी हम बीच की तरफ जा रहे हैं। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्याने अंगड़ाई। सुबह 7 बजे इतनी सारी गाड़ियाँ और इतने सारे लोग। वैसे भी सूरत के लोग बहुत ही ज़्यादा खाने के और घूमने के शौकीन होते हैं। सूरत से डुमस बीच का रास्ता करीबन 15 या 20 मिनट का ही होगा। अब हम बीच पे आ गए हैं। ये एक मंदिर है और हल्की हल्की बारिश हो रही है तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे लग रहा है। बीच पे भी काफ़ी सारी भज्जिए की दुकानें थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की भी दुकानें रहती है और हॉर्स राइडिंग, कैमल राइडिंग वो सब भी यहाँ पे है। तो आज मैं आपसे डुमस का फेमस स्पेशल टमाटर की पूरी की रेसिपी शेयर करूँगी। ये भजिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, इसके लिए कई कई जगह पे मैं आपको टिप्स देती रहूँगी, तो आप उसको फॉलो करोगे तो आपके भजिया भी बिल्कुल लश्करी भजिया जैसे ही बनेंगे। तो पहले एक टमाटर ले लेते हैं और इसको मीडियम थिक स्लाइस में कट कर लेते हैं। मेरी पहली टिप के पहले हमें ये सब स्लाइस को कपड़े के ऊपर ही रखना है, जिससे ये सब स्लाइस ड्राई हो जाएगी, पूरा पानी ये कपड़े के ऊपर ही रह जाएगा। अब मैं चटनी बनाऊंगी, तो चटनी के लिए मैंने एक मिक्सर जार में थोड़ी सी धनिया पत्ती, अदरक, मिर्ची और लहसुन की कलियां लिया है। अब मैं मूंगफली ऐड करूंगी और ये मेथी के गाठिया है वो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। मेथी के गाठिया से उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और नमक ऐड करूँगी और चीनी ऐड करूँगी और इसको मिक्सर में दरदरा सा ग्राइंड कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर साबुत धनिया और सौंफ, उसको भी मैंने कूट के डाला है और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और एक एक टमाटर की स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर ये चटनी लगाएंगे। टमाटर का जो जूस है, तो कपड़े पे टमाटर रखने से ये जूस पूरा कपड़े के ऊपर आ जाएगा, जिससे टमाटर पे पानी पानी नहीं रहेगा। तो जब हम ऑयल में फ्राई करेंगे तो पानी नहीं रहेगा टमाटर पे, तो भजिया अच्छे से फ्राई होगा।
मेरी दूसरी टिप ये है कि चटनी बनाते टाइम मैंने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया है। तो सारी स्लाइस पे मैंने ये चटनी लगा दिया है और अब हम बैटर बनाएंगे। 4 से 5 टेबलस्पून बेसन लिया है और इसके अंदर नमक ऐड करा है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक थिक बैटर बनाएंगे। ये बैटर हमें पतला नहीं बनाना है, उसको थोड़ा ठीक ही रखना है। इसमें मैंने बेकिंग सोडा या ऑयल का यूज़ नहीं किया है, इसको बराबर एक ही डायरेक्शन में बीट करना है। तो 5 मिनट इसको ऐसे बीट करना है जिससे ये बैटर जो है वो एकदम लाइट और फ्लफी हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए हमें ये जो टमाटर है वो कड़क वाले ही लेने हैं, सॉफ्ट टमाटर नहीं लेने हैं, नहीं तो भजिया जब फ्राई करेंगे तो इसके अंदर पानी पानी से भजिया फ्राई करते टाइम प्रॉब्लम होगा, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। अब मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये फ्राई हो चुके हैं तो अब इसको मैं एक प्लेट पे निकाल देती हूँ और इसी तरह दूसरे भजिया फ्राई करके रेडी कर देती हूँ। और ये गर्मा गर्म बहुत अच्छे लगते हैं। ऊपर से मैंने थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करा है और हरी मिर्ची के साथ इसको सर्व किया है। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो आप देख सकते हो ये चटनी वाले टमाटर के भजिया अब सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, इसका टेस्ट बिल्कुल लश्करी भजिया जैसा ही आया है। ये स्पेशल टमाटर की पूरी लश्करी भजिया सेंटर की रेसिपी से ही मैंने बनाई है। तो आपको अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।